और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्टेटहुड फिर से मिलेगा जम्मू कश्मीर को, इस बात का भी उधमपुर की रैली में जिक्र किया गया। सुनाते हैं आपको क्या कहा पीएम मोदी ने। जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे, हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। तो एक तरफ उधमपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, और इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी प्रतिक्रिया आई है। चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का, वो तो मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं? एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते, ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहां का इंसाफ था। सीधे रुक करते हैं, आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं आसिफ से। आसिफ, ये जिस तरीके से चाहे तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, इसको लेकर जो आर पार देखने के लिए मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में इन दोनों बातों का जिक्र करते हैं, उस पर बीजेपी की घेराबंदी की जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की तरफ से, क्या ये इस बार जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, देखिए आप जब ये प्रतिक्रिया हमने उमर अब्दुल्ला से, हम इस समय भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे ही मौजूद है। यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है और वो उमर अब्दुल्ला को बधाई देने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो बारामूला से खुद चुनावी मैदान में होंगे। साथ ही श्रीनगर से आगा रूहुल्ला को उन्होंने मैदान में खड़ा कर दिया है। और आगा रूहुल्ला के बारे में बता दूं कि वो मुखर रहे हैं अपोज करने में धारा 370 के हटाए जाने के बाद से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने इस बयान पर रिएक्शन दिया है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले चुनाव में जो चुनावी मुद्दे जम्मू कश्मीर में रहेंगे वो भले ही विकास हो, शांति हो, रोजगार हो, लेकिन सबसे बड़ा जो इमोशनल कनेक्ट होगा वो धारा 370 को हटाना, राज्य का दर्जा छीनना और अब जो चुनाव की बात हो रही है वो ही चीजें सामने रख के लोगों से वोट मांगने की कोशिश होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुले तौर पर यह बोल दिया है कि वो इन्हीं मुद्दों को आगे लेकर लोगों से इमोशनली कनेक्ट होकर उनसे वोट मांगेंगे ताकि तो ये वो भावनात्मक मुद्दे हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान छाए हुए हैं और इसीलिए इन पर गए आर पार। ABP News, आपको रखे आगे।